दिक्कत है से देखा ही नहीं गो रोटियों को उनके कोनो दे दी तेरा खा लेती बात ही करो खाए के लेना है ना कुछ मत करना रोटी ले ले आई थी तो दूध हुए कहीं को बांट देती रहूँगा एक रोटी भी कोई दे देता तो खा लेती कुछ नहीं है खाने को। ये कहते कहते ये महिला जिस तरह रोने लगी वो उसकी भूखे पेट की पीड़ा बता रही है और बिहार तक से कह रही है कि आप दो रोटी ले आते तो हम एक एक खा लेते। जो दिक्कत है से देखा ही नहीं गो रोटियों को उनके कोनो दे दी तरह खा लेती बात ही करो खाए के लेना है ना कुछ मत करना मजबूरी की ये तस्वीर वैशाली जिले के बिलसर की है। बाढ़ के बीच फंसी इस बूढ़ी महिला से जब हमने सवाल किए तो बुजुर्ग महिला फफक फफक कर रोने लगी। सवाल जवाब से पहले बस एक रोटी देने की गुजारिश करने लग गई। 85 साल की इंदु देवी ने बताया कि बाढ़ के पानी में घर मकान चूल्हा सब डूब गया, खाने को कुछ नहीं है और ये कहते कहते इंदु देवी रोटी मांगने लगी। जो दिक्कत है से देखा ही नहीं गो रोटियों को उनके कोनो दे दी तेरा खा लेती बात ही करो खाए के लेना है ना कुछ मत करना इस सब डूब गया देखो ना रहूरा डूब गया की भेल बताओ चोखा का बर्तन है चूली चौका सब हमारे दस गलो का रोटी ले ले आई थी तो दूध हुए कहीं को बांट देती रहूरा। एक रोटी के लिए जो तड़प इस महिला की आंखों में नजर आ रही है आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मजबूरी की ये दर्द भरी तस्वीर बिहार में बाढ़ से मची तबाही का चीख चीख कर सबूत दे रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, बाढ़ के पानी में घिरी हमें 80 साल की कबूतरी देवी मिली। कबूतरी देवी पिछले 8 दिनों से अपनी झोपड़ी में खाट पर अकेले बैठी है, बाढ़ के जाने का इंतजार कर रही है। पानी से बचने के लिए खाट को 5 ईंटों का सहारा देकर मचान बनाया है जिस पर कबूतरी देवी बाढ़ की बेबीसी को निहारती मिली। कबूतरी देवी ने बताया कि 4 बेटे हैं उनके जो आसपास में बाढ़ के हालात में फंसे हैं। बेटे आकर कुछ खाना दे जाते हैं, बस उसी से किसी तरह गुजारा हो रहा है। हमारे घर है बेटा के वहाँ घर है वो बेटा के सब अलग अलग है। हाँ। हमारे घर है हाँ। ननकी बेटा में है वो दोनों दूगो बेटा के हुआ घर है उकरो दहाई है उकरो दहाई जाओ हटिया चौकी पानी में है भर छाती पानी में हाथी वो में खाना ना मिले या खाना कहाँ से खाऊ कोई देला कितना तक खैली आना तो सुत पर रहली रोकर कोई कथन है बेटा सा 4 गो है अपन अपन दहाई है अपन अपन अलग खटिया चौकी सब पानी में है वैशाली जिले में बाढ़ ने कुछ ऐसे हालात बना दिए हैं कि हर तरफ लाचारी की तस्वीर नजर आ रही है। गंगा के साथ गंडक और अन्य छोटी नदियों में आए उफान ने बिहार में पिछले कुछ दिनों में बाढ़ के बेहद खराब हालात बना दिए हैं। हालात को और भी खराब बना रहा है लापता सरकारी मशीनरी जो इस मुश्किल हालात में कहीं नजर नहीं आ रहा। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट बिहार तक।